स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में। और हमें खुशी है कि आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हमारी वीडियोस को लगातार फॉलो कर रहे हैं। और हम जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो लोक सेवा अधीनस्थ चयन आयोग है उसकी 20 क्लासेस की सीरीज़ लेकर आए हैं। और ये जो परीक्षा है वो जल्द ही आयोजित होने वाली है, अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने 20 क्लासेस का ये कोर्स डिज़ाइन किया है, जिससे कि हमारा जो कोर्स है वो समय पर कंप्लीट हो जाए और आपको, हमको, सभी को रिवीजन का पर्याप्त टाइम मिल पाए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी 2 क्लासेस जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है और जिसमें हम जो आपका हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है और सामान्य अध्ययन है, ये सभी सब्जेक्ट्स जो भी एग्ज़ाम में टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो हमने इसी तरह से डिज़ाइन किया है कि सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर भी हो जाएं और कुछ भी छूटे ना। तो अगर आप शुरू से हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जो भी विद्यार्थी आगे या फिर अभी जो भी आपका एग्ज़ाम है, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, यूपीएससी हो, UPSSC हो या फिर UPPCS हो, तो उन इस टाइप के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको देने के लिए इच्छुक है तो वो भी इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि ये जो वीडियोस हैं उसमें जो क्वेश्चंस या जो कंटेंट कवर किया जा रहा है वो इसी तरह से किया जा रहा है जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो अब हम आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चूँकि कंप्यूटर के भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो UPSSC है या फिर UPPCS है और कोई भी एग्ज़ाम हो, जो भी लोक सेवा अधीनस्थ चयन आयोग या लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो उस सब में ये साइंस से, मैथ से और कंप्यूटर से भी क्वेश्चन एक पार्ट आता है, 6-7 क्वेश्चन या हो सकता है वेरी करते हैं तो पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज की क्लास में हम कंप्यूटर कवर करने वाले हैं। तो कंप्यूटर में आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो कंप्यूटर की पीढ़ी पढ़ेंगे। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बेसिक्स क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज हमें कंप्यूटर के बारे में होना चाहिए, जिससे कि हम जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको ईजिली अटैम्प्ट कर सकें। तो आज हम पढ़ते हैं जैसे कि कंप्यूटर पीढ़ी आपका, तो इसमें जो है 5 जनरेशन है कंप्यूटर पीढ़ी में। तो सबसे पहला जो जनरेशन है, हमें बेसिकली इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो हम आपको बताते हैं कि इसमें एक तो ये पूछा जाता है कि कौन सी जनरेशन में कौन सा जो आप कह सकते हैं कि टाइप यूज़ हुआ है, या फिर कि जैसे ये वाला जो कंप्यूटर है या ये कंप्यूटर का टाइप है वो किस जनरेशन में डेवलप हुआ है। तो अगर हम बात करें 0 जनरेशन की, सबसे पहले जो हमारा जनरेशन है वो है 0 जनरेशन का। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन एक रफ़ आइडिया हम सभी को होना चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहले आया आपका 0 जनरेशन या 0 पीढ़ी का कंप्यूटर, उसमें हम देख लेते हैं, एक रफली आइडिया ले लेते हैं। हालांकि डेट इतना, जो सन है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो आविष्कार हुआ था वो 1642 से 1945 के बीच, ये जो समय अंतराल है इसको आप 0 जनरेशन के टाइम पीरियड में ये आएगा। अच्छा, अब देखिए इसमें कि जो 0 जनरेशन का कंप्यूटर था उसको हम बोलते थे यांत्रिक कैलकुलेटर। क्या बोलते थे? यांत्रिक, यानी कि ये टोटली मैकेनिकल डिवाइस थी। कंप्यूटर क्या है? अभी जो हम जानते हैं कंप्यूटर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। बट पहले क्या था, 0, क्योंकि उस टाइम पर ना बाइनरी सिस्टम, जो बाइनरी प्रणाली है उसका इजाद नहीं हुआ था, ठीक है। और जो जो आउटपुट स्क्रीन्स हैं उसमें भी हम जो वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह होते थे या फिर कोई बल्ब है वो सब यूज़ करते थे। तो इसलिए जो पहला जो 0 जनरेशन का कंप्यूटर था उसको हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक कैलकुलेटर। वो कंप्यूटर भी नहीं था, वो क्या था? कैलकुलेटर। और उसमें मेमोरी को स्टोर करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती थी या किन किन सिस्टम्स का हम यूज़ करते थे किसको मेमोरी को स्टोर करने के लिए, तो वो थे कैपेसिटर्स, यानी कि संधारित्रों का प्रयोग किया जाता था। अब इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सी संधारित्रों का प्रयोग किस जनरेशन में किया जाता था,
तो आप बता सकते हैं इजीली कि शून्य जनरेशन में, क्योंकि कैपेसिटर्स स्टार्टिंग में जो मेमोरी को स्टोर करने के लिए आवश्यकता थी वो किसकी थी, कैपेसिटर्स यानी कि संधारित्रों की। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी मशीन या कैलकुलेटर शून्य जनरेशन की पीढ़ी में इस्तेमाल हुए थे, तो सबसे पहले जो थी जो पास्कल एक मशीन है जो कि गणना के लिए प्रयुक्त होती थी, और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, इसको हम एडिंग मशीन भी, और ये 0 से 9 तक के नंबर्स को काउंट कर लेती थी, तो इसीलिए इसको हम क्या, या ऐड वगैरह कर लेती थी, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एडिंग मशीन बोलते हैं। किसको? पास्कल को। और यही पहली क्या थी, गणना डिवाइस थी। जो सबसे पहली गणना डिवाइस थी, अगर पूछा जाता है आपसे कि प्रथम गणना जो कंप्यूटर या कैलकुलेटर क्या कौन सा था, तो वो कौन सा था, पास्कल। इसी कड़ी में यानी शून्य जनरेशन वाले पीरियड में ही डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया किसने, जिसे चार्ल्स बैबज, जो कि सबको पता है महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या करा था, उन्हें कंप्यूटर का जन्मदाता भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है कंप्यूटर का जन्मदाता किसको बोलते हैं, है ना, तो ये किसको बोलते हैं, चार्ल्स बैबज को। उन्होंने ही 1822 में, ये डेट उतना आसान इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट डिफरेंस इंजन जो है वो किस में है, डिफरेंस इंजन है शून्य जनरेशन में, ठीक है। तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। इन्होंने ही डिफरेंस इंजन के बाद एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। इन्होंने ही यानी कि Mark 1 और Mark 2 का भी आविष्कार किया था, या जो मशीन्स हैं शून्य जनरेशन पीढ़ी में वो कौन कौन सी। अब आपसे देखिए क्वेश्चन क्या, कि जैसे Mark 1 या Mark 2 या एनालिटिकल इंजन या डिफरेंस इंजन या पास्कल, ठीक है, तो कौन सी जनरेशन, जनरेशन आपको दे देगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, शून्य जनरेशन, तो किसकी मशीनें हैं वो, शून्य जनरेशन की। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। इसके अलावा जो हम शून्य जनरेशन में जो हमारी लैंग्वेज, हम क्योंकि उस टाइम पर ट्रांसलेटर वगैरह नहीं थे, कि जो आपका जो ना ही बाइनरी भाषा थी ना जो डिजिटल भाषा होती है जो आजकल हमारी हमारे सारे कंप्यूटर्स में यूज़ होती है डिजिटल, जो कि 0-1 के फॉर्म में होती है बाइनरी भाषा, बाइनरी लैंग्वेज, तो उस टाइम पर क्या थी, स्टार्टिंग था कंप्यूटर के जो चरण का स्टार्टिंग था, तो उस टाइम पर जो यूज़ होती थी वो थी मशीनी भाषा, जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने किसी कैरेक्टर को नंबर दे दिया, ठीक है, उसको असाइन कर दिया, तो वो आप उसको डिकोड नहीं कर सकते, तो वो मशीनी लैंग्वेज का वहाँ यूज़ होता था। लैंग्वेज कौन सी थी शून्य जनरेशन में, मशीनी। इसके अलावा जो डेटा स्टोर करने के लिए उस टाइम पर डिवाइसेस, जैसे आजकल तो हम सबको पता है डेटा स्टोर आप फ्लॉपी जो पेन ड्राइव है उसमें कर लेते हैं हम लोग, या हार्ड डिस्क होते हैं उसमें कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पर जो डेटा स्टोर के लिए जो डिवाइस थी वो क्या थी, पंच कार्ड। पंच कार्ड से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पंच कार्ड को का किसने आविष्कार किया था, तो उनका नाम याद रखिएगा आप, जैक वार्ड ने क्या करा था पंच कार्ड का। आपसे ऑप्शन में आप दिमाग थोड़ा सा रखिएगा कि जैसे पंच कार्ड आए तो आपको जैक वार्ड को मार्क करना है कि किसने किया, जैक वार्ड ने। तो ये था हमारा शून्य जनरेशन का, और पहला इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बने, यांत्रिक कैलकुलेटर किससे, शून्य जनरेशन से, एनालिटिकल जो इंजन है या जो आपका डिफरेंस इंजन है, या जो पहला गणना कैलकुलेटर है जिसको हम पास्कल बोलते हैं शून्य जनरेशन से, इसके अलावा पंच कार्ड का भी शून्य जनरेशन में। तो ये हो गया आपका जीरो जनरेशन या शून्य जनरेशन या शून्य पीढ़ी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं उसके बाद क्या है, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1951 से 58 के अप्रॉक्सीमेटली इसके बीच था। अच्छा, इस में जो जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज़ हुआ था उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में बनाया गया था, तो पहला जो सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन सी पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन में, क्योंकि पहले में तो यांत्रिक था, मैकेनिकल था, मैकेनिकल के बाद हम एडवांस हुए, एडवांस होने के बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करना उसमें स्टार्ट किया। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था पहला सार्वजनिक वो कौन सी पीढ़ी में आया था, वो आया था पहली पीढ़ी में।
इसमें जो कुछ मशीन्स थी जो डेवलप हुई थी और बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मशीन कौन कौन सी फर्स्ट जनरेशन में डेवलप हुई थी, वो थी एक एनियाक, एक था यूनिवैक और एक थी एडवैक। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एनियाक की आपको थोड़ा फुल फॉर्म पता होनी चाहिए पहली बात, क्योंकि आपको पूछ लेगा कि ई का मतलब क्या है या आई का मतलब क्या है या ए का मतलब क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है पहला टाइप। दूसरा टाइप क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो एनियाक है वो कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है, पहला ये आ गया। या एक क्वेश्चन ये आता है कि पहला जो संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र था वो कौन सा था, यहाँ लिख रखा है कि पहला संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वर्क करता था, इलेक्ट्रॉनिक पूरा इसका प्रोसेसिंग था, क्योंकि पहले शून्य जनरेशन का यांत्रिक था, तो पहला संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र कौन सा था, वो था एनियाक। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एनियाक की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो थोड़ा सा आप, या क्यों, चूँकि वो इलेक्ट्रॉनिक है फर्स्ट जनरेशन का है, तो इसका पहला हो गया ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमेरिकल, आई फॉर इंटीग्रेटर एंड ए फॉर एंड एंड सी फॉर कैलकुलेटर। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, हम लोग क्या सोचते हैं कि एनियाक है कंप्यूटर से रिलेटेड है तो हम मार्क कर देंगे सी फॉर, अगर उन्होंने पूछा है सी फॉर क्या है या फुल फॉर्म पूछ ली तो हम सी फॉर कंप्यूटर मार्क कर देते हैं, उसमें कंप्यूटर भी होगा, बट ये कंप्यूटर नहीं था, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्या है, कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर है सी का मतलब, यहाँ पर कंप्यूटर नहीं है, तो ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर ऑप्शन में दे रखा है या कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर पर आपको टिक करना है। और पहला संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र हो गया। यूनिवैक की अगर हम बात करें तो ये ऐसा कंप्यूटर था पहला विश्व का जो व्यावसायिक रूप से गणना के लिए उपलब्ध था, व्यावसायिक रूप से मतलब जो कि जिसके द्वारा मतलब मार्केट में ये आ चुका था के सभी के लिए गणना के लिए, अगर व्यावसायिक रूप से पहला कंप्यूटर आपसे पूछता है गणना के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो कि मार्केट में उपलब्ध था तो वो कौन सा होगा, वो होगा यूनिवैक। लेकिन अगर आपसे केवल ये पूछता है कि पहला संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक इसमें व्यावसायिक ना हो तब आप लगाएंगे एनियाक, अदरवाइज क्या होगा, यूनिवैक। ठीक है, एनियाक का ये पूछ सकते हैं कि इसका आविष्कार किसने किया था, तो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर सेना के लिए बेसिकली ये जो आर्मी है उसके लिए क्या बनाया था, एक कंप्यूटर बनाया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वो उन वैज्ञानिक का नाम क्या था, वो था जॉन मूचली। रफ आइडिया रखो, जैसे पंच कार्ड का हमने रखा जैकवार्ड, जॉन मूचली और उनका जो विद्यार्थी था वो थे जे प्रैपर एकर्ट, जे प्रैपर एकर्ट, जॉन मूचली और जे प्रैपर एकर्ट। अगर हम इसमें बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज़ होता था, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो मशीन लैंग्वेज होती है या असेंबली लैंग्वेज होती है वो कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं। तो मशीन लैंग्वेज जीरो में, सेकेंड फर्स्ट वाले में क्या हो गया, असेंबली लैंग्वेज का यूज़ होता था। इसमें पूछ लेता है कि असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था, तो आप याद रखना डॉक्टर ग्रेस हूपर, किसने किया था, डॉक्टर ग्रेस हूपर ने असेंबली लैंग्वेज का। थोड़ा ये है कि अगर आपको नाम याद भी नहीं रहते हैं तो थोड़ा अगर देखा होता है या पढ़ा होता है तो ऑप्शन में आप मार्क कर जाते हैं, तो डॉक्टर ग्रेस हूपर। ठीक, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट जनरेशन का। फर्स्ट जनरेशन का क्या था, पहला संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र, ठीक है, कैलकुलेटर था, कंप्यूटर नहीं था, गणना यंत्र था, कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। दूसरा, व्यावसायिक रूप से जो उपलब्ध कंप्यूटर था वो भी फर्स्ट जनरेशन में है, जिसका हमने बोला यूनिवैक, ठीक है। और इसके चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक था तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक आया इट मीन्स वहाँ पर बाइनरी जो प्रणाली है, बाइनरी जो सिस्टम है उसका विकास हो चुका है। बाइनरी सिस्टम कौन सा होता है, जिसमें जीरो और वन का आप यूज़ करते हैं, केवल टू डिजिट्स का आप यूज़ करते हैं, जीरो और वन, जीरो फॉर ऑफ एंड वन फॉर ऑन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। तो सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड रफ आइडिया 1959 से 64। इसमें जो था, जैसे कि इसमें क्या था, ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, पहला सार्वजनिक ई कंप्यूटर था,
इसमें आप या इसमें जो आपने यूज़ करा, जैसे जीरो जनरेशन में आपने कैपेसिटर्स का यूज़ करा, संधारित्रों का यूज़ करा, इसमें आपका बाइनरी सिस्टम था, और इसमें जो सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन में आपने ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करा। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी बन सकता है कि कौन सी जनरेशन में, कौन सी पीढ़ी में कंप्यूटर की ट्रांजिस्टर का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो कौन सा है? सेकंड जनरेशन, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक था, जीरो जनरेशन जो था मैकेनिकल था, उसमें कैपेसिटर्स का यूज़ किया गया था, तो ये क्या थे? ट्रांजिस्टर युक्त। इसमें जो मशीन्स बनी थी वो कौन कौन सी थी, क्योंकि आपसे मशीन भी पूछ सकता है देकर ये कौन से जनरेशन की मशीन है। तो एक मशीन थी TXO, ये पहली, विश्व की पहली ट्रांजिस्टर युक्त मशीन थी। TXO का जो फुल फॉर्म है वो पूछ सकता है, वो है ट्रांजिस्टराइज्ड एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर। तो यहाँ पर कंप्यूटर ओ, तो ये TXO है, इतना फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ पता होना चाहिए TXO मशीन किस, कौन सी जनरेशन से रिलेटेड है? सेकंड जनरेशन। एक और मशीन बनी थी वो है PDP-1। अच्छा, PDP-1 इम्पॉर्टेंट क्यों है? PDP-1 इसलिए इम्पॉर्टेंट है, पहली तो चलिए ठीक है सेकंड जनरेशन की है, PDP-1 विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर था। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर, उसका नाम बताइए, तो आपका क्या है? PDP-1। इसके अलावा PDP-8 भी इसी में बनी थी, मतलब जो सेकंड जनरेशन है इसी में PDP-8 मशीन भी बनी थी। असेंबली लैंग्वेज हमारी फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हो चुकी है, असेंबली जनरेशन के बाद हम बढ़ते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पर सेकंड जनरेशन में आपकी हाई लेवल लैंग्वेज जो है उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। तो उच्च स्तरीय भाषा जो है वो कौन कौन सी हैं? वो है कोबोल, फोर्ट्रॉन, एल्गोल, ये सारी जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज हैं। ठीक है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, ये आपको आगे आने वाली क्लासेस में पता लगेगा, तो हमारे साथ कृपया करके बने रहें। ठीक है, इसके अलावा जो इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, जो हम ये भी पूछ सकता है कि जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सी जनरेशन से लिया, एक रफ आइडिया होना चाहिए, पूछेगा तो नहीं इनपुट आउटपुट डिवाइस, बस ये पूछता है कि कौन सी इनपुट डिवाइस है या कौन सी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन एक रफ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड जनरेशन का था, ट्रांजिस्टर थे इसमें, तो हम कैथोड रे ट्यूब्स का यूज़ करते थे, MICR, OCR, ठीक है, ये ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, इन सब का मैग्नेटिक स्टोरेज के लिए हम मैग्नेटिक टेप थे उस टाइम पर, ये सब तो थे नहीं, पेन ड्राइव नहीं थे आपका, और जो हार्ड डिस्क है वो सब नहीं था, तो मैग्नेटिक टेप, जो ये सिक्वेंशियल मेमोरी है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क वगैरह का हम यूज़ करते थे। तो इम्पॉर्टेंट फ़िलहाल इसमें से ये है कि ट्रांजिस्टर आपका कौन सी जनरेशन में? सेकेंड जनरेशन में। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर PDP-1। इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज की शुरुआत कौन से से? सेकंड जनरेशन से। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? आपसे ऑप्शन दे सकता है कोबोल, फोर्ट्रॉन, एल्गोल, सी, बेसिक, ठीक है, इस टाइप के, तो ये क्या है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की तरफ, पीढ़ी की तरफ। तो जो थर्ड जनरेशन था उसका, ठीक है, 1965 से 70 हो गया। अच्छा, इसमें क्या था? इसमें हुआ था आपका ICs का प्रयोग। IC क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, इंटीग्रेटेड चिप्स होते हैं, जो आपके मोबाइल्स में भी लगे होते हैं, ठीक है। तो ICs जो होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। पूछा ये जा सकता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट का जो प्रयोग है, या जो इनको जो खोजा था, वो किसने खोजा था? वो है जे एस किल्बी। तो जे एस किल्बी ने जो ICs का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किया था, उसको खोजा था, जे एस किल्बी। इसके अलावा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो मल्टी प्रोग्रामिंग थे, मतलब उसमें आप एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स को डाल सकते हो। यहाँ पर क्या था कि आप एक ही बार जो आपने डाल दिया, मशीनी लैंग्वेज है कि जो एक बार आपने डाल दिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका असेंबली लैंग्वेज है, यहाँ पर आप कर सकते हो, क्योंकि बाइनरी अंक, बाइनरी नंबर सिस्टम आ गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ये आपका ट्रांजिस्टर युक्त था। जो थर्ड जनरेशन की है वो मल्टी प्रोग्रामिंग थी, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है, पूछा जाता है कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं उसका प्रयोग किस पीढ़ी में शुरू हुआ था, तो कौन सा है? थर्ड जनरेशन में। अगर आपको ये क्रम याद है ना कि 0, 1, 2, 3,
ये जनरेशन 5.0 में आपका कैपेसिटर्स हो गए, 1 जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक हो गया, 2 जो है वो आपका ट्रांजिस्टर हो गया, 3 आपका इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। इसमें क्या है कि जिसमें मशीन थी वो मशीन कौन सी थी, 1 और 8 तो यहाँ पर बन चुकी थी सेकंड वाले में, तो 3rd में जो मशीन बनी थी वो PDP-11, ये पूछा जा सकता है PDP-11 जो है वो किस जनरेशन में बनी थी या, ठीक है, तो ये है 3rd जनरेशन में। इसके अलावा यहाँ पर भी हाई लेवल लैंग्वेज, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेकंड जनरेशन में हो चुकी है हाई लेवल लैंग्वेज, तो 3rd में भी ऑब्वियसली होगी हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन 3rd जनरेशन की जो एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी वो ये थी कि जो बेसिक लैंग्वेज है जिसको, जो आज बहुत ज़्यादा फेमस है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हुई थी वो, मतलब जो स्टार्ट हुई थी बेसिक लैंग्वेज, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, वो 3rd जनरेशन में हुई थी। तो एक क्वेश्चन बन गया ICs का प्रयोग 3rd जनरेशन, किसने किया, JS Kilby। एक ये बन गया PDP-11 किससे है, 3rd जनरेशन। एक बन गया कि बेसिक किसमें, कौन सी पीढ़ी में आई थी, तो बेसिक है 3rd जनरेशन में। इसके अलावा ये APL, ये सब लैंग्वेज हुई। अच्छा, इसके अलावा जो इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं वो मॉनिटर, कीबोर्ड, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि कौन सी पीढ़ी में आपका कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 4th जनरेशन कंप्यूटर। 4th जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है वो 1971 से 89 तक है, ठीक है। इसमें अब ऑब्वियसली और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल ग्रो करेगा, टेक्नोलॉजिकल विकास होगा, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर VLSI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। VLSI की फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन तो किया गया, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड चिप तो पहले से यूज़ हो रही थी, बट उसका अब लार्ज स्केल पर इंटीग्रेशन किया जाने लगा। तो VLSI टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ हुआ। इसमें जो है, जो आपके माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंप्यूटर का, यानी कि मिनी कंप्यूटर का कहाँ हुआ था, पीछे जाओ, मिनी कंप्यूटर का हुआ था कहाँ, सेकंड जनरेशन में, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, अगर आपसे पूछा जाता है कि माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार कौन सी जनरेशन में हुआ, तो वो हुआ मिनी के बाद, क्या, ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर का हुआ किस में, 3rd जनरेशन में। माइक्रो कंप्यूटर का कहाँ पर हुआ, ये, हाँ सॉरी, मिनी कंप्यूटर का हुआ सेकंड जनरेशन में और माइक्रो कंप्यूटर का हुआ 4th जनरेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जैसे जो आपका माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो फैमिली थी उसके, जो जैसे इंटेल है, पेंटियम प्रोसेसर वगैरह जो आए थे वो 4th जनरेशन में आए थे। तो याद रखिएगा फिर से यहाँ पर कि विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर PDP-1 था, सेकंड जनरेशन में आया था, और जो माइक्रो कंप्यूटर है वो किस में आए थे, उनका आविष्कार जो हुआ था 4th जनरेशन में, 3rd बीच में इसमें नहीं हुआ था, 3rd में, ठीक है। इसमें जो फैमिलीज, ये सब इसमें, जैसे माइक्रो प्रोसेसर की ये पूछ लिया जाता है कि इंटेल कौन सी कंपनी का जो है वो प्रोसेसर है, तो वो माइक्रो, उसका था माइक्रो प्रोसेसर, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का था। IBM के जो हैं वो PC-80 और PC-XT हैं, ठीक है, ये इतना ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये बन जाता है, क्रे वन जो था वो पहला सुपर कंप्यूटर था विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, अगर कौन सा पूछा जाता है कौन सा है, तो वो है क्रे 1। तो क्रे 1 विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था, और चूंकि यहाँ पर VLSI टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आ चुकी थी, तो ये किसमें, कौन सी पीढ़ी में जनरेट हुआ था या किस पीढ़ी में ये बना था, तो वो है 4th जनरेशन। अभी जो हमारा जो जनरेशन है वो 4G, हम लोग जैसे मोबाइल में जो हम यूज़ करते हैं वो 4G है, 5G अभी आने वाला है। अभी जो 5G आया है केवल साउथ कोरिया में आया है, ठीक है, वहाँ पूरी तरह से वो आ चुका है, लेकिन 5G के लिए हम लोग बढ़ रहे हैं 5G की दिशा में। तो अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो 4G टेक्नोलॉजी है, VLSI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। हम लोग, पता है हम सबके पास कंप्यूटर, लैपटॉप्स होते हैं, पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर फैमिली का, जो इंटेल वगैरह है वो सब इसमें डाला होता है कंप्यूटर्स में। क्रे 1 जो है पहला विश्व का सुपर कंप्यूटर है, और एप्पल का मैकिंटोश ये भी 4th जनरेशन, यानी अभी आया है 4th जनरेशन में। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, विंडोज़, यूनिक्स, ठीक है। लैंग्वेज वही ऑब्वियसली हाई लेवल लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे, प्रोलॉग, पास्कल वगैरह इसमें यूज़ होती है। 5th जनरेशन कंप्यूटर, जो कि जिस दिशा में हम कार्यरत हैं और हम सभी मतलब 5G पीढ़ी की ओर बढ़ रहे हैं,
तो ये 1989 से अभी तक जो भी आपका वर्तमान समय चल रहा है, तो ये फिफ्थ जनरेशन, इसमें हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं या जो हो रही है विश्व में यूज़, वो है ULSI टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि फिफ्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है, ULSI। यहाँ थी VLSI, यहाँ है ULSI। इसमें ऑब्वियसली जैसे फिफ्थ जनरेशन में हम किस चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, इस टाइप की चीज़ें कि जो शायद इंसान ने कभी सोची नहीं है, वो चीज़ें अब हम 5G टेक्नोलॉजी में मतलब महसूस करने वाले हैं। तो रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, IoT है, नेटवर्किंग है, वो सब इसमें फिफ्थ जनरेशन में यूज़ होगा, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज वही आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, ओरेकल है, ये सब जो हैं। और डिवाइसेस तो आप सभी को पता है, आजकल सबके पास माइक्रोफोन्स होते हैं, वायरलेस वाईफाई मॉडेम्स होते हैं और वेब कैम्स होते हैं। तो ये क्या है जो फिफ्थ जनरेशन में हम डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमारी 0 से लेकर 5 जनरेशन तक का पूरा हिस्ट्री था। अभी एक दो क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, जैसे मिसलिनियस क्वेश्चन, जैसे इंडिया का यानी कि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था। तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम 800। कौन सा था? परम 800। इसको डेवलप किसने किया था? सीडेक ने 1991 में क्या करा था, परम 800 को डेवलप किया था सीडेक ने। तो ये भारत का सुपर कंप्यूटर है पहला, ठीक है। यूनिवैक हमने पहले ही बता दिया, पहला कंप्यूटर था जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध था इलेक्ट्रॉनिक गणना के लिए। ENIAC जो है, अगर पूछा जाता है केवल कि संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र व्यावसायिक रूप से नहीं देता है, तो वो ENIAC है। अच्छा, ये भी पूछ लिया जाता है कि पहली प्रोग्रामर कौन थी, एक महिला थी जिन्होंने सबसे पहले एक प्रोग्राम लिखा था। तो विश्व की जो पहली प्रोग्रामर थी जिन्होंने सबसे पहला प्रोग्राम लिखा था वो थी, उनका नाम था एडा अगस्ता लवलेस। क्या था नाम? एडा अगस्ता लवलेस। ये कौन थी? पहली प्रोग्रामर थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि एबेकस जो है ये भी कंप्यूटर है, तो ये कौन से देश ने डेवलप किया है? तो एबेकस याद रखिएगा, ये चीन के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? एबेकस चीन के द्वारा, ये याद रखिएगा। एक ये भी पूछ सकता है, ये पूछ लेता है कि जो बेसिक हमारी लैंग्वेज है जो कौन सी पीढ़ी में थी? थर्ड में। बेसिक जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी, मतलब जो बनी थी, वो थर्ड जनरेशन की तीसरी जो पीढ़ी थी उसकी देन है। बेसिक जो हम यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है कंप्यूटर की। तो बेसिक की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, बी फॉर बिगनर्स, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए थी, बिगनर्स। ए फॉर ऑल पर्पस, एस फॉर सिम्बॉलिक, आई फॉर इंस्ट्रक्शन, सी फॉर कोड। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि सी फॉर क्या है? सी फॉर है कोड। यहाँ पर हो सकता है आपको चेंज करके दे दे कि सी फॉर कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड है, हम लोग लगा देंगे कि यार यही होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड है, बेसिक लैंग्वेज है तो कंप्यूटर होगा। बट नहीं, सी फॉर क्या है? कोड। और यहाँ क्या था? ENIAC जो था इसमें क्या था? सी फॉर कैलकुलेटर। यहाँ पर भी कंप्यूटर नहीं है। तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा कि कौन सा कहाँ पर आविष्कार हुआ और कौन सी टेक्नोलॉजी। आप मेन इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स यही हैं कि कौन सा किस जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, ठीक है। तो अभी हम अब जो आगे देखने वाले हैं वो हैं कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर में जो प्रयुक्त होती है इनपुट आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, मेमोरी के बारे में जो कंप्यूटर की मेमोरी है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और अभी जो हमने पढ़ा था वो कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ा था। एक बार जल्दी से उसको रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि हमने 5 जनरेशन पढ़ी थी जिसमें 0 जनरेशन भी उसमें शामिल थी। 0 जनरेशन, 1st जनरेशन, 2nd, 3rd, 4th, 5th। अब 0 जनरेशन में क्या था, उसमें जो डेटा स्टोरेज के लिए क्या था, कैपेसिटर्स का यूज़ था।
फर्स्ट जनरेशन में जो मैं आपको बताना उस टाइम भूल गई थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आया है बहुत बार, कि फर्स्ट जनरेशन में जो डेटा स्टोरेज के लिए जो यूज़ किया जाता है वो था वैक्यूम ट्यूब्स का। तो ये याद रखिएगा, वैक्यूम ट्यूब्स का ये पूछा गया था क्वेश्चन कि कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था, तो वो है फर्स्ट जनरेशन, जिसमें हमारा, जिसको हमने बोला था इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, और उसी में आपकी असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। शून्य जनरेशन में मशीन लैंग्वेज थी, जीरो हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड जनरेशन में हमने क्या करा था, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था, थर्ड जनरेशन में हमने आईसीज़ का यूज़ किया था, इंटीग्रेटेड चिप्स का, फोर्थ जनरेशन में हमने किसका करा था, VLSI का, और फिफ्थ जनरेशन में हम जो अब करने वाले हैं वो है UVLSI टेक्नोलॉजी का। और भी जो क्वेश्चंस थे वो आप एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे अपना, इनपुट डिवाइस, ये एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा। आपको कोई भी इनपुट डिवाइस का नाम दे देगा और पूछेगा ये आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है, तो हमें सारी डिवाइसेस के नाम पता होने चाहिए कि ये इनपुट डिवाइस हैं या आउटपुट डिवाइस हैं। तो जैसे माउस है, आप सभी को पता होगा माउस का हम यूज़ करते हैं कि जो उसका राइट साइड होता है और एक उसका लेफ्ट साइड होता है, तो एक साइड को हम ओके प्रेस करने के लिए करते हैं और दूसरी साइड को हम उससे उसकी प्रॉपर्टीज शो हो जाती हैं जो माउस का बटन होता है। तो माउस का इसमें क्वेश्चन एक ये आता है कि माउस का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, तो याद रखिएगा ये जो थे वो थे डगलस नाम से, इनका है तो नाम और भी बड़ा है लेकिन डगलस नाम से आप याद रखिएगा कि डगलस ने माउस का आविष्कार किया था। इसके अलावा इनपुट डिवाइस और कौन सी हैं, एक तो माउस है, क्लिक करके आपने इनपुट एंटर कर देते हो, कीबोर्ड है जिससे आप कीज़ को एंटर करते हो, इसमें कीबोर्ड में क्या है, जैसे कुछ तो अल्फान्यूमेरिक कीज़ होती हैं, कुछ फंक्शन कीज़ होती हैं जो एक से लेकर 12 तक होती हैं, जो ऊपर की साइड होती हैं कीबोर्ड में, F1 से लेकर F12 तक, कुछ आपकी स्पेशल कीज़ होती हैं, है ना, और कुछ जो होती हैं इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि ऊपर एरो बना होता है, नीचे एरो बना होता है, तो इस टाइप के चार तरह की उसमें कीज़ होती हैं, अल्फान्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर, फंक्शन कीज़, और जो इमेज वाली या साइन वाली जो कीज़ होती हैं। स्कैनर क्या है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप कोई भी चीज़, जैसे आपका ID कार्ड या कुछ भी, ठीक है, तो आप स्कैनर में मतलब एंटर करवाते हो, रखते हो, तो वो इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी आपकी इनपुट डिवाइस है, जिससे हम वो स्टिक्स ही होती है उससे आप एंटर करते हो, जॉयस्टिक है। ट्रैक बॉल है, माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन भी क्या है, आप उसमें बात करते हो, ठीक है, तो वो आपका इनपुट डिवाइस है। वेबकैम है, वो भी आपका कुछ चीज़ शो तो नहीं करता ना, वो पहले क्या है, आप उसके सामने जाते हो, वो इनपुट डिवाइस है वेबकैम। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है, OCR, MICR और OMR, ये सारी ही क्या हैं, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। अब इनकी एग्ज़ाम्स में क्या पूछा जाता है, इनकी फुल फॉर्म्स पूछी जाती है, तो जो OCR है इसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल, O फॉर ऑप्टिकल, C फॉर करेक्टर, R फॉर रिकग्निशन। बोर्ड की थोड़ी लिमिटेशन की वजह से मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ आप अगर उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो O फॉर ऑप्टिकल, C फॉर कैरेक्टर, R फॉर रिकग्निशन। तो OCR क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। MICR भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। M फॉर मैग्नेटिक, I फॉर इंक, C फॉर कैरेक्टर, R फॉर सेम है रिकग्निशन, मतलब जो OCR में CR है वही सेम है, तो बस इसमें MI का क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, तो MICR की फुल फॉर्म है। OMR की जो फुल फॉर्म, जो OMR शीट्स होती हैं, ये वो भी क्या है, वो क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। तो OMR का जो है वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर, O फॉर ऑप्टिकल, M फॉर मार्क, क्योंकि उसमें हम मार्किंग करते हैं, है ना, जब हम एग्ज़ाम देते हैं मार्क, और रीडर, उसको जो चेक किया जाता है वो OMR के थ्रू ही, रीडर जो होता है उसके थ्रू किया जाता है। इसके अलावा जब हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो हर उस पर बार कोड होता है, तो वो बार कोड रीडर जिससे हम उसको स्कैन करते हैं, वो भी आपकी क्या है, वो इनपुट लेती है, इनपुट डिवाइस है बार कोड रीडर। एक आपका ये है बॉल टैग रीडर, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन जो हम मोबाइल में आजकल सबके टच स्क्रीन्स ही होते हैं, है ना, तो उसमें क्या है कि वो भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। स्पीच रिकग्निशन सिस्टम जो है,
जिससे आपका वॉइस का पता लग जाता है। तो वहाँ पर आप बोलते हो, पहले आप उसमें कोई भी डेटा को एंटर करते हो, तब इनपुट डिवाइस कौन सी हुई जिसमें आप डेटा को की एंट्री करवा रहे हो, तो वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब कुछ आउटपुट डिवाइसेस देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर है, आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, आप कुछ भी आप उसमें एंटर करते हो कीबोर्ड से, तो जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हो, जो मॉनिटर है, वो क्या है, वो आपको आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो वो आपकी क्या है, आउटपुट डिवाइस। एक आपका आउटपुट डिवाइस प्रिंटर, कोई भी चीज़ आपको प्रिंट करानी है आप प्रिंटर में दे देते हो, तो प्रिंटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर, प्लॉटर ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लॉटर, जैसे प्लॉटर के दो टाइप होते हैं, एक होता है फ्लैट बेड और एक होता है ड्रम, ड्रम प्लॉटर। तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि इसके जो टाइप हैं वो फ्लैट बेड, जो फ्लैट बेड प्लॉटर है और ड्रम प्लॉटर। प्लॉटर मेनली जैसे अगर नॉर्मली हमको प्रिंट करवाना होता है तो हम लोग प्रिंटर से करवा लेते हैं, लेकिन अगर बड़े बड़े फ्लेक्सिस बोर्ड जो होर्डिंग्स लगे होते हैं रोड पर या कहीं किसी भी एडवर्टीजमेंट के लिए, तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो प्लॉटर का यूज़ करते हैं। तो फ्लैक्स बोर्ड वगैरह में जो है, जो छपवाते हैं बड़े बड़े बोर्ड, वो हम प्लॉटर के थ्रू छपवाते हैं। इसके अलावा तो प्लॉटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन इमेज, जो आपको आपकी इमेज को स्क्रीन मतलब स्कैन करके और आपको इमेज दे देती है, तो स्क्रीन इमेजर या इमेज जो हुआ वो भी क्या है आपका, आउटपुट। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये क्या है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर मेनली आप जैसे कोई भी कोचिंग सेंटर होता है, तो कोचिंग सेंटर में ऊपर की साइड आपका क्या होता है, लगा होता है। उससे क्या होता है कि जो भी मतलब छोटी चीज़, वो आप उसको वॉल पर क्या कर लेते हो, प्रोजेक्ट कर लेते हो। तो वहाँ पर आपको वॉल पर या फिर सामने जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर वो पूरा जो भी आपको पढ़ाना होता है वो सब आपका दिखता है। तो जो प्रोजेक्टर है वो भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर तो आप सभी को पता है, वो आउटपुट डिवाइस है। हम उसमें कुछ इनपुट तो देते नहीं, उससे हमें गाने ही सुनने को मिलते हैं, है ना, तो वो क्या है, आउटपुट डिवाइस। अब एक ये तो इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गई, एक बार देख लेंगे याद हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, और पीसीएस एग्ज़ाम्स में भी ये आया है और भी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो पूछा जाता है कि जो प्रिंटर है, प्रिंटर के दो टाइप होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो आवाज़ करते हैं, जो प्रिंटर आवाज़ करते हैं वो होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। ये याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, जो आवाज़ करते हैं प्रिंट करने पर, कोई भी चीज़ अगर हम प्रिंट करेंगे तो आवाज़ करेंगे। नॉन इम्पैक्ट जो आवाज़ नहीं करते। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में भी दो कैटेगरी हैं, एक होता है लाइन प्रिंटर, एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर, प्रिंटर का काम क्या है कि प्रिंट करना, कोई भी चीज़ आपने इनपुट कराई तो वो क्या करता है, एज इट इज़ प्रिंट कर देता है। तो लाइन प्रिंटर जो है वो क्या करता है, लाइन प्रिंटर कोई भी जो भी आपने ऑब्जेक्ट रखा लाइन बाय लाइन, यानी जो भी आपका मैटर है, सपोज हमने कोई डॉक्यूमेंट रखा, तो वो लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है, ठीक है। बट जो कैरेक्टर प्रिंटर है, जैसे नाम से लग रहा है, ये वन कैरेक्टर को एट अ टाइम प्रिंट करता है, मतलब कि एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करता जाता है। लाइन प्रिंटर क्या करता है, एक पूरी लाइन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। कैरेक्टर क्या करेगा, सिंगल सिंगल कैरेक्टर लेकर वो प्रिंट करेगा। अच्छा, इसमें भी जो लाइन प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है ड्रम प्रिंटर और एक होता है चेन प्रिंटर। ऐसे ही जो कैरेक्टर प्रिंटर है उसमें भी दो टाइप होते हैं। ये पहले यूज़ होते थे एक्चुअली, ये वाले जो प्रिंटर हैं ये पहले यूज़ होते थे, अब तो खैर हमारा जैसे लेज़र प्रिंटर वगैरह आ गए हैं। तो जो कैरेक्टर प्रिंटर हैं उसमें कौन कौन से टाइप होते हैं, वो होता है डेजी व्हील प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन ये आता है आपको दे दिया ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, हो सकता है आपसे उल्टा पूछ ले कि ड्रम प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, तो इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट ऐसे करके, तो आप क्या डालोगे कि ड्रम प्रिंटर जो है वो किसका है, पार्ट किसका है, इम्पैक्ट प्रिंटर का, तो ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, क्या इम्पैक्ट है या नॉन इम्पैक्ट, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका टाइप है, कैरेक्टर का
और कैरेक्टर किसका टाइप है? इम्पैक्ट का। तो इसका मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो ड्रम प्रिंटर है, ठीक है, या चेन प्रिंटर है, वो कौन सा प्रिंटर है? लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट या इम्पैक्ट प्रिंटर, मतलब इस टाइप से। तो आप क्या लगाओगे कि ड्रम प्रिंटर जो है वो लाइन प्रिंटर है, क्योंकि लाइन प्रिंटर के दो टाइप हैं, ड्रम और चेन। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। एक तो ये कि इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो आवाज़ करते हैं, नॉन इम्पैक्ट वो होते हैं जो आवाज़ नहीं करते। इम्पैक्ट के दो टाइप हैं, लाइन जो शुरू से लेकर अंत तक एक लाइन को प्रिंट कर देता है, और कैरेक्टर जो वन बाय वन कैरेक्टर को प्रिंट करता है। लाइन के दो हैं अगेन ड्रम और चेन प्रिंटर, कैरेक्टर के दो हैं अगेन डेजी व्हील कैरेक्टर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो आवाज़ नहीं करते, यह आपने देखा होगा के जो ऑफिसेज होते हैं या फिर कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी शॉप है, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? हमारा वहाँ पर जो प्रिंटर, जब हम प्रिंट करवाते हैं तो कोई आवाज़ आती है? नहीं ना, हम कोई भी उसमें पेपर डाल देते हैं और वो अपने आप प्रिंट होकर आ जाता है। तो ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, ये अभी हम यूज़ करते हैं। जैसे हम जो यूज़ करते हैं, इसके टाइप जो है वो है लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। तो हमारा जो मेनली जो ऑफिसेज वगैरह में यूज़ होता है, आपने देखा होगा कि प्रिंटर के अंदर वो पूरा एक इंक का सेट होता है, तो वो डालना पड़ता है, वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो प्रिंट नहीं कर पाता। तो जो इंकजेट प्रिंटर है वो मेनली हम यूज़ करते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर किसका एग्जाम्पल है पूछ सकते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या क्या है? तो आप लगा सकते हो कि इंकजेट प्रिंटर किसके अंदर आता है? नॉर्म हम ऑफिसेज में यूज़ करते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस प्रिंटर से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसका क्लासिफिकेशन याद रखिएगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो याद रखिएगा। ये भी पूछ लेता है कि जैसे लाइन प्रिंटर है तो लाइन प्रिंटर कैसे प्रिंट करेगा? तो वो एक पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट कर देगा। तो ये हो गया आपका प्रिंटर के बारे में। अब हम जो बात करने वाले हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस में से यही आएगा। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, या फिर आप कहीं नोट डाउन करके एक बार मेमोराइज कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं मेमोरी की। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं इसमें। अब देखिए होता क्या, मेमोरी है क्या? जहाँ पर भी एक ऐसी स्मृति है ये कंप्यूटर की, जहाँ पर सारा डेटा जो है, जो भी हम प्रोसेस करते हैं, वो क्या होता है, वो स्टोर होता है। मेमोरी क्या है? क्षमता। जैसे हमारा मेमोरी क्या? हमारा माइंड, ठीक है। तो वो क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो देखिए होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम प्राथमिक मेमोरी बोलते हैं, और एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक मेमोरी। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी या जो प्राथमिक मेमोरी होती है उसको हम मेन मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी या टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब क्या हुआ, अस्थाई मेमोरी भी कहते हैं। आप देखिए इसको क्यों कहते हैं अस्थाई मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अस्थाई मेमोरी इसको बोलते इसलिए हैं क्योंकि जब आप कंप्यूटर को ऑन या ऑफ करते हैं तो इसमें जो स्मृति जो भी स्टोर होती है वो क्या हो जाती है, वो वैनिश हो जाती है, मतलब आपको दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो ये होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अस्थाई मेमोरी। अब इसमें क्या है कि इसके दो पार्ट हैं, एक तो होता है रैम, एक होता है रोम। इसमें आप क्वेश्चंस देखते जाइए कैसे कैसे बनते हैं। पहला है रैम, रैम की फुल फॉर्म पूछ सकता है, रैंडम यहाँ लिखी नहीं है, आप ध्यान से सुनिए, आर फॉर रैंडम, ए फॉर एक्सेस, एम फॉर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम मेमोरी होती है, एक होती है आपकी रोम मेमोरी, ये प्राइमरी के पार्ट है। रोम का मतलब क्या हुआ, आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट होता है ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि ये ऐसी मेमोरी है जिसको आप रैंडमली यानी कहीं से भी आप इस तक पहुँच सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इस तक पहुँच सकते हैं। जबकि ये जो है रीड ओनली मेमोरी, इसको ये वो मेमोरी है जिसको आप केवल रीड कर सकते हैं, इस पर आप लिख नहीं सकते। जैसे आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं,
ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, तो वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं आप उनको इरेज नहीं कर सकते, आप उनको डिलीट नहीं, जिसमें बहुत सारे स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन आते हैं, फिर आपसे नीचे लिखा होता है कि प्लीज़ प्रेस F1 और F12 और प्लीज़ प्रेस एंटर, है ना, तो वो आप मेमोरी क्या है वो डिलीट नहीं कर सकते, हम जो यूज़र हैं हम उसको डिलीट नहीं कर सकते, तो केवल हम उसको क्या कर सकते हैं, जब 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 कंप्यूटर ऑन होगा हम उसको केवल पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो वो होती है रीड ओनली मेमोरी। इसमें एक क्वेश्चन ये हो गया कि इन सब की फुल फॉर्म बताइए, रैम की या रोम की। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। अब देखिए वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई मेमोरी, इसका हिंदी प्रोनंसिएशन है, और रोम जो नॉन वॉलेटाइल होता है उसका मतलब होता है स्थाई मेमोरी। अब ये हम मैंने पहले ही आपको बता दिया कि रोम आप इसको अगर याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि रीड ओनली मेमोरी, यानी कंप्यूटर खुलने पर हम उसको केवल रीड कर पा रहे हैं, ठीक है, तो रीड कर पा रहे हैं हम उसको हटा तो नहीं पा रहे, हम उसको मतलब डिलीट तो नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब क्या है, वो स्थाई है, ठीक है, वो रोम जो है वो स्थाई मेमोरी है। तो मतलब अगर पावर ऑफ होती है या फिर कंप्यूटर अगर ऑफ होता है तो ये जो मेमोरी है वो वैनिश नहीं होगी, वो डिलीट नहीं होगी, इसलिए ये कैसी मेमोरी हुई, ये हुई स्थाई मेमोरी, जिसका इंग्लिश में मीनिंग है नॉन वॉलेटाइल, मतलब उसको ख़त्म नहीं कर सकते। जो रैम है इसका इन्वर्स होगा, रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये जो होती है ये क्या होती है, अगर जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है तो क्या होता है, ये जो मेमोरी है वो वैनिश हो जाती है, ठीक है, समाप्त हो जाती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अस्थाई मेमोरी। दो क्वेश्चन हो गए, रैम रोम फुल फॉर्म, रैम वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल। अब रैम की जो पार्ट है, दो पार्ट हैं, एक होता है एस रैम, एस रैम मतलब क्या होता है, स्टैटिक रैम, और डी रैम, डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। इसमें आपसे बस ये पूछा जा सकता है, जैसे स्टैटिक रैम है तो फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ जो होता है इनमें से किस मेमोरी में यूज़ होता है, तो फ्लिप फ्लॉप का यूज़ जो होता है वो होता है स्टैटिक रैम में यूज़, और कैपेसिटर्स का यूज़ होता है डायनेमिक रैम में, यानी जो संधारित्र यूज़ होते हैं वो किस में यूज़ होते हैं, डायनेमिक रैम में। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा एस रैम या डी रैम में से केवल यही बन सकता है, ये स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में से, के फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किस में होता है, या के आपको ऑप्शन दे देगा एस रैम डी रैम, ठीक है, तो आप बता सकते हो फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप्स जो होते हैं बेसिकली ये यूनिट्स हैं जो कि डेटा को स्टोर करती हैं, ठीक है, कोई भी जैसे अगर जैसे हमें पानी को स्टोर करना हुआ तो हम क्या करेंगे, हम बर्तन लेंगे या कोई भी ऐसा पॉट लेंगे जिसमें हम, तो ऐसे ही जो कंप्यूटर की मेमोरी को स्टोर करने के लिए जो हम माध्यम का यूज करते हैं वो होते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स के फॉर्म में वो स्टोर होते हैं। अब अगर हम बात करें रोम की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रोम का जो डिवीजन है वो दो उसमें किया गया है, एक है प्रोम दूसरा है ई प्रोम। प्रोम की फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म पूछता है, प्रोम की है प्रोग्रामेबल, पी फॉर प्रोग्रामेबल, आर फॉर सेम है रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब क्या हुआ, नाम से ही स्पष्ट है, देखिए नाम से ही आप उसका मतलब निकाल सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कि इसको आप एक बार प्रोग्राम कर सकते हो, मतलब इस मेमोरी को आप एक बार लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा है ई प्रोम, ई प्रोम का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ई फॉर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि आप इसको बहुत बार, यानी मैनी टाइम्स, इसको बार बार आप इरेज कर सकते हो और इसको प्रोग्राम कर सकते हो। यहाँ पर केवल क्या था, एक बार कर सकते हो, प्रोम में अगर आता है आपका ऑप्शन में तो आप बताओगे कि प्रोम में आप केवल एक बार कर सकते हैं, ई प्रोम में आप इरेजेबल, चूंकि ई फॉर ई का मतलब क्या हो, इरेजेबल, तो इरेज तो आप कितनी भी बार कर सकते हो, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए ई प्रोम में अब जो इसको इरेज करोगे, जो भी आपका डेटा लिखा हुआ है, तो आप उसको कंप्यूटर में कैसे इरेज करोगे, या तो आपका आप उसको इलेक्ट्रिकली इरेज करोगे, कोई हाई वोल्टेज का आप करंट फ्लो करवाकर आप जो भी डेटा है उसको आप इरेज कर सकते हो, या फिर आप यूवी रेज के थ्रू आप उसको क्या करेंगे, इरेज करेंगे। तो
EEPROM के यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के दो पार्ट्स हैं, एक है आपका UV EEPROM और एक है आपका EE EEPROM। यहाँ पर UV का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आप डेटा को इरेज कर रहे हो वो किसके थ्रू कर रहे हो, वो कर रहे हो यूवी लाइट को डालकर या यूवी रेज को डालकर। और यहाँ पर किससे कर रहे हो, यहाँ पर एक और ई और आ गया है ई के आगे, तो यहाँ पर जो आप इरेज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकली इरेज कर रहे हो, उसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल मतलब हाई वोल्टेज का करंट आप फ्लो करवा के आप मेमोरी को इरेज करते हो, ये बस समझाने के लिए है। मेनली क्वेश्चंस यही आते हैं, फुल फॉर्म और इसका थोड़ा टाइप पूछ लेता है इसके अंदर है क्या। ठीक, तो ये तो वो बात हो गई प्राइमरी यानी प्राथमिक मेमोरी, मेन मेमोरी या टेम्पररी। अब देखिए इसमें एक चीज़ और याद रखिए, जो प्राइमरी मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी से कम होती है। क्वेश्चन ये भी दे सकता है, असर्शन रीजनिंग में दे सकता है, ठीक है, कि प्राइमरी मेमोरी की जो स्टोरेज है वो सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा है, कम है, इक्वल है। तो प्राइमरी मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो यानी कि जो भंडारण क्षमता है वो सेकेंडरी मेमोरी से क्या होती है, कम होती है। जैसे कि आपने देखा होगा आप कंप्यूटर जब लेते हैं या फिर जब आप फ़ोन लेते हैं उसमें, फ़ोन में हमारा कितना होता है रैम, जैसे 4 GB होगा, 5 GB होगा या 2 GB रैम होगा, लेकिन जो उसकी एक्सटेंडेबल मेमोरी होती है वो 132 भी होती है, 64 भी होती है, 264 भी होती है, इस टाइप से होती है। तो जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, कम है, जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी है या फिर जैसे आप पेन ड्राइव लगा लें या कुछ भी लगा लें तो उसकी तो बहुत जीबी की तो मतलब जो पेन ड्राइव्स होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा जीबी की आती हैं, तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की, जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक मेमोरी या ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक मेमोरी, ठीक है, जो कि प्राइमरी मेमोरी के मतलब सहायता में एक और मेमोरी लगाई जाती है। अब देखिए इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक होता है सिक्वेंशियल सेकेंडरी मेमोरी, एक होता है डायरेक्ट एक्सेस। सिक्वेंशियल में केवल मैग्नेटिक टेप आता है, ठीक है, जैसे कि जब पहले के ज़माने में क्या होते थे, क्या वॉकमैन्स वगैरह जो चलते थे तो उसमें हमारी एक छोटी सी कैसेट होती थी मैग्नेटिक टेप, उसको उसमें रील होती थी, तो वो जो था वो सिक्वेंशियल मेमोरी का टाइप है, ठीक है, कि मैग्नेटिक टेप वो जो मेमोरी उसमें जो हम एक्सेस कर पाते हैं वो सिक्वेंशियली कर पाते हैं। सिक्वेंशियल का मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस से, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह एकदम कूद नहीं सकते, आपको पूरी कैसेट क्या करनी पड़ेगी, चलानी पड़ती थी उसमें, अगर आपको कहीं बीच का पैरा सुनना है तो आप उसमें वो ऑप्शन नहीं होता था कि आप सुन लो, तो उसमें क्या है कि आपको शुरू से पूरा टेप सुनना होता था, तो वो है सिक्वेंशियल मेमोरी, ठीक है, उसका एग्जाम्पल है मैग्नेटिक टेप। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, पहला तो ये पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक टेप कैसी मेमोरी है, प्राइमरी सेकेंडरी, तो कैसी है, मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी मेमोरी है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक टेप इज़ अ टाइप ऑफ सिक्वेंशियल मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, तो ये मैग्नेटिक टेप किसका टाइप है, ये है सिक्वेंशियल मेमोरी का, आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं लगाना है। तीसरा इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसमें जो किसी भी चीज़ को या स्टोर करने के लिए जो हम कोड यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, तो सिक्वेंशियल मेमोरी में जो हम कोड यूज़ करते हैं वो होता है BCD, मतलब बाइनरी, C फॉर कोडेड, D फॉर डेसिमल, यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की, जो कि डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी है। डायरेक्ट एक्सेस से पता ही लग रहा है, मैंने बोला कि नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सेस का मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको सीक्वेंस वाइज चलने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर पैरा या मेमोरी को रीड करने के लिए आप वहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो जो भी चीज़ आप एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे कि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के तीन क्लासिफिकेशन है, एक है आपका मैग्नेटिक डिस्क, एक है आपका ऑप्टिकल डिस्क या ऑप्टिकल स्टोरेज, और एक है आपका एक्सटर्नल स्टोरेज। अब देखिए मैग्नेटिक डिस्क के जो हैं वो दो पार्ट हैं, एक तो है फ्लॉपी डिस्क और एक है हार्ड डिस्क।
थोड़ा सा मतलब आप बार बार इसको देखेंगे तो याद हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क, और फ्लॉपी डिस्क का बेसिकली जो निर्माण किया था ये भी पूछ सकते हैं, याद रखिएगा, IBM ने। और मैग्नेटिक डिस्क में जो हम कोडिंग यूज़ करते हैं, मतलब कौन सी कोडिंग हम स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, वो होती है EBCDIC, मतलब के EBCDIC। इसको मैं अभी बताऊंगी आपको। फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क का क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क को करा था IBM ने, आप देखिए। और एक है था हार्ड डिस्क, तो कौन कौन सा है, मैग्नेटिक डिस्क के दो पार्ट हैं, एक है आपका फ्लॉपी डिस्क और एक है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में भी एक होती है जिप डिस्क, एक होती है डिस्क पैक, एक होती है विंचेस्टर डिस्क। अब देखिए जो जिप डिस्क होती है, जैसे जो आपका टैबलेट है या मोबाइल है, तो उसमें जो स्टोर आप करते हो डेटा वो जिप्स में होता है, जिप डिस्क होती हैं छोटी छोटी, जैसे टैबलेट्स में हम लोग तो इतना खोल के देखते नहीं है, लेकिन टैबलेट्स या फिर जो मोबाइल हैं उसमें जिप डिस्क का यूज़ करते हैं, किसको, मेमोरी को स्टोर करने के लिए। जो डिस्क पैक होता है, ये आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि डिस्क पैक, ठीक है, तो क्या है, ये कलेक्शन होता है जिप डिस्क का, क्योंकि ये जो है जो डिस्क पैक है वो जिप डिस्क से ज़्यादा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, और डिस्क पैक जो है वो स्मॉल स्मॉल जिप डिस्क से मिलकर बना होता है। यानी कि सबसे पहले जैसे हो गया जिप डिस्क, ठीक है, फिर इससे बहुत सारे अगर जिप डिस्क को आप मिला दो तो इससे क्या मिल जाएगा, डिस्क पैक, ठीक है, तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, डिस्क पैक। और एक होता है आपका, और डिस्क पैक को आप इंटरनल हार्ड डिस्क भी बोलते हो, हार्ड डिस्क इसलिए क्योंकि हार्ड डिस्क के पार्ट हैं, इंटरनल हार्ड डिस्क भी बोलते हो। और एक जो हमारे सिस्टम में बैकअप जो हम बोलते हैं, बैकअप होता है, तो बैकअप जो होता है वो क्या है, उसको हम बोलते हैं विंचेस्टर डिस्क, उसको हम क्या बोलते हैं, विंचेस्टर डिस्क। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल जो सेकेंडरी मेमोरी है, ऑप्टिकल सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या, ऑप्टिकल जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रकाश, ठीक है, प्रकाश कैसा, आप लेज़र बीम के थ्रू आप इसका यूज़ करते हो, प्रकाश कौन सा डालते हो, लेज़र बीम। इसमें जैसे हमने ये बताया कि जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है, यानी कि जो BCD कोड है, वो आप किस में यूज़ करते हैं, सिक्वेंशियल मेमोरी में या मैग्नेटिक टेप में। EBCDIC जो है ये इंटरचेंजेबल कोड समथिंग करके है, इसको मेरे दिमाग से निकल रहा है, मैं आपको बताऊंगी अभी। तो ये जो है BCD का मतलब तो यहाँ पर यही है, बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंजेबल कोड, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क में जो है ये इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो है आपका ASCII कोड। ASCII कोड की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ASCII कोड की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, या फिर आपसे कोई भी एक सेंटेंस वो दे देगा, वर्ड दे देगा, जैसे आई का मतलब क्या है या एस का मतलब क्या है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ASCII कोड का आप कहाँ यूज़ करते हो, ऑप्टिकल सेकेंडरी मेमोरी में। अब देखिए जो हमारी DVD वगैरह होती है, ठीक है, जो आजकल DVD यूज़ करते हैं, तो वो उसमें जो है हमारा क्या होता है कि हम उसको लगा देते हैं, तो वो वहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं वो ऑप्टिकल रेज का यूज़ करके, यानी लेज़र बीम का यूज़ करके आप उस मेमोरी को एक्सेस करते हो, ठीक है। तो इसमें ये जो है ऑप्टिकल डिस्क के टाइप क्या है, CD-ROM, CD रीराइटेबल और WORM, इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, देख लीजिए एक बार। CD का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क, ROM यानी कि रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CDRW इसका मतलब क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल मेमोरी, ठीक है, क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल मेमोरी। WORM का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका है राइट ओनली, W का मतलब हो गया राइट, O का मतलब हो गया ओनली रीड मेमोरी, राइट ओनली रीड मेमोरी। और DVD का मतलब भी पूछा जाता है फुल फॉर्म, तो वो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ये किसके पार्ट हुए, ये हुए ऑप्टिकल सेकेंडरी मेमोरी के। एक और जो लास्ट बचता है वो है एक्सटर्नल स्टोरेज, ये तो हम सभी को पता है, जैसे पेन ड्राइव है या फिर जो आपका मेमोरी कार्ड हम बाहर से लगाते हैं, तो ये सारे सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट हैं। तो इनका आप याद रखिएगा कि जो BCD कोड है स्टोरेज के लिए वो हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक टेप में, जो EBCDIC कोड है वो आप यूज़ करते हो मैग्नेटिक डिस्क में,
और जो एस्काई कोड है उसको आप यूज़ करते हो ऑप्टिकल डिस्क में, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, यानी जिसको आप बोलते हो ALU, या एक जो होती है CU, CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, तो ये जो है कंप्यूटर में कहाँ लाई करती हैं, मतलब कहाँ पर स्थापित होती हैं, कहाँ स्टोर होती हैं, तो ये मेन कंप्यूटर में होती हैं। कंप्यूटर के अंदर जो होती है दो वो होती हैं, एक तो होता है सेक्शन ALU भी कंप्यूटर के अंदर होता है, कंट्रोल यूनिट भी कंप्यूटर के अंदर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। इसके अलावा ALU तो आपको पता ही है, अर्थमेटिक लॉजिक जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको परफॉर्म करता है। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन ये जनरल नॉलेज का है कि जैसे कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को आपका एड्स डे होता है, तो ये याद रखिएगा। और पहला जो कंप्यूटर साक्षर जिला है वो कौन सा है, वो है मल्लापुरम केरल का। तो केरल का जो मल्लापुरम जिला है वो कौन सा है, वो पहला कंप्यूटर साक्षर जिला है। तो इस तरह हमने देखा आज की वीडियो में कि जो जनरेशन है कंप्यूटर जनरेशन हमने पढ़ा, इसके अलावा हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी, हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा। तो इसको आप एक बार और रिवाइंड करके देखिएगा जिससे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएँ। और अभी हम कंप्यूटर में जो हमारी सेकंड क्लास है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हम पढ़ेंगे, और भी छोटी छोटी चीज़ें शॉर्टकट कीज़ हम पढ़ेंगे। तो अब मिलते हैं आपसे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू।